रश करते नजर आएंगे जोनाथन वर्सेस स्काउट। ये मुकाबला बहुत कमाल का होने वाला है। सामने से प्लेयर आते हैं, स्काउट यहां पे आएंगे, नॉक कर दिया, इनको फिनिश करते हैं तो काफी अच्छी सिचुएशन उनकी भी बनती नजर आएगी। बट जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहां पे फाइट होती नजर आएगी। मावी यहां पे आ चुके थर्ड पार्टी का, आई थिंक टीपीपी का शिकार होते नजर आए। क्लच गॉड वेट कर रहे थे, जैसे मावी उनके क्लोज आए टीपीपी का इस्तेमाल करके उनको नॉक करा गया, और मेरे ख्याल से अब उनको बचाना भी पॉसिबल नहीं रहेगा। जी हां, उनको फिनिश भी कर दिया जाता है। M4 इनके हाथ में आ चुकी है एंड आई थिंक टीम टबाटप के पास अब एडवांटेज है। राइट नाउ टीम सोल दे नीड अ नॉक, क्या वहां पे वो नॉक निकाल पाएंगे। नेट्स की बारिश जैसे कि हमने पिछली बार मीरामार में देखा था शुरू हो चुकी है। टीम टपटप, देखिए ये रिलेंटलेस टीम है, ये जब भी फोकस करती है किसी सामने वाली टीम पे उन पे अटैक करती है, वो भी काफी अमेजिंग यूटिलिटीज के साथ। नॉटी और वर्ट जोनाथन बिल्कुल तैयार है, हाथ में उनके मॉलोटोव जरूर आ चुकी है। ये रश करते नजर आएंगे जोनाथन वर्सेस स्काउट। ये मुकाबला बहुत कमाल का होने वाला है। सामने से प्लेयर आते हैं, स्काउट यहां पे आएंगे, नॉक कर दिए जाएंगे। देखिए टीम वर्क है, अकेले प्लेयर यहां पे पीक करते नजर आए आपको स्काउट, बट यहां पे टीम टपटप वो अकेले नहीं थे, बैक टू बैक यहां पर नॉक्स निकालते हुए रेगल्टस भी यहां पर नॉक हो जाएंगे। मॉर्टल आखिरी प्लेयर बचे हैं टीम सोल के, क्या मॉर्टल मैजिकली एक लेजेंडरी क्लच निकाल सकते हैं यहां पे। चारों प्लेयर्स जीवित जरूर है टीम टपटप के, जस्ट ट्राइंग टू गो फॉर इट। मॉर्टल की एचपी काफी लो हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एक प्लेयर को नॉक कर दिया एंड दैट इज गोइंग टू बी जोनाथन। अब उनकी साइड पर यहां पर नेट जरूर किए जा रहे हैं। मॉर्टल की एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो एक बहुत क्रूशियल फैक्टर बन जाता है। जीगोट जस्ट जाएंगे आगे पिक निकाल देंगे, लेकिन मॉर्टल एक और प्लेयर को पिक करते नजर आए। वेल मॉर्टल विल बी टेकन डाउन, ब्रिलियंट फाइट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय मॉर्टल टू बी ऑनेस्ट। लेकिन टीम टपटप वो जीवित